हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट विडलर करंट मिरर। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, कुछ बातों को मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा। सपोज हमें किसी आईसी डिजाइनिंग में 10 माइक्रो एम्पियर करंट सोर्स की आवश्यकता है, तो जाहिर सी बात है कि इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें करंट मिरर यूज करना पड़ेगा। भाई, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट करंट मिरर कि अगर कहीं पे भी करंट सोर्स की अगर रिक्वायरमेंट है इन आवर आईसी डिजाइनिंग, तो हम करंट मिरर सर्किट को यूज करते हैं। तो बच्चों यहां देखिए, 10 माइक्रो एम्पियर के करंट सोर्स की हमें रिक्वायरमेंट है। सपोज अगर इस रिक्वायरमेंट को हम बेसिक करंट मिरर से फुलफिल करते हैं, तो देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी। अगर हम बात करें बेसिक करंट मिरर की, बेसिक करंट मिरर ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर, तो जरा देखते हैं। सबसे पहले तो बेसिक करंट मिरर का सर्किट डायग्राम स्केच करते हैं। दिस इज आवर मिरर ट्रांजिस्टर और ये हमारा लोड ट्रांजिस्टर। टेन बोल्ट सप्लाई है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है और यहां बच्चों आई रेफरेंस करंट और यहां जो करंट हमें चाहिए वो चाहिए 10 माइक्रो एम्पियर का। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आई नॉट है वो आई रेफरेंस का क्या है, मिरर रिफ्लेक्शन है। दैट्स व्हाई आई रेफरेंस विल बी 10 माइक्रो एम्पियर। आई रेफरेंस विल बी 10 माइक्रो एम्पियर। बात समझ में आई। और ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और बेस आपस में कनेक्ट होता है थ्रू अ कनेक्टिंग वायर। तो बच्चों यहां का जो करंट होगा वो भी क्या होगा, आई रेफरेंस और जिसकी वैल्यू होगी 10 माइक्रो एम्पियर और यहां भी जो करंट आएगा आई नॉट वो हो जाएगा 10 माइक्रो एम्पियर बिकॉज ऑफ वेरी हाई बीटा। ठीक है, तो इस सर्किट के लिए इस आर की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं कि इस आर की वैल्यू क्या आएगी। तो इस आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इस पॉइंट का वोल्टेज चाहिए। सब बच्चे जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर जंक्शन का जो कट इन वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। दैट्स वाई यहाँ का भी वोल्टेज जो होगा वो 0.7 वोल्ट होगा। तो बच्चों आर की वैल्यू क्या आ गई, 10 माइनस 0.7 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ करेंट थ्रू आर। दिस इज 10 माइक्रो एम्पियर। तो इसकी वैल्यू आएगी 930 किलो ओम, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा ओम। ठीक है, तो अब 1 मेगा ओम क्या है, बहुत ज्यादा वैल्यू का रजिस्टर है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, इसका साइज जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, वेरी लार्ज साइज, जो कि हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए सुटेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम बेसिक करंट मिरर सर्किट का तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक करंट मिरर के लिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जा रही है, इस रेजिस्टेंस का साइज बहुत ज्यादा हो जा रहा है, जो कि हमारे आईसी टेक्नोलॉजी में अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो भाई बेसिक करंट मिरर तो फेल हो गया। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको इमिटेड डीजनरेटेड करंट मिरर के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो बच्चों अगर वो आप यूज करोगे तो आई रेफरेंस अगर 1 मिली एम्पियर यूज करते हो, सपोज आपने आई रेफरेंस 1 मिली एम्पियर लिया और 1 मिली एम्पियर के करंट को डी मैग्नीफाई कर दिया
आउटपुट में। भाई इमिटर डीजनरेटेड में मैंने बताया था कि आप आउटपुट करंट को चेंज कर सकते हो बाय द चेंजिंग ऑफ या बाय द एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ आर ई वन एंड आर ई टू। आप पिछला वीडियो देखिएगा, मैंने इमिटर डीजनरेटेड में यहाँ पे आर ई वन और आर ई टू रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था और उसका वैल्यू एडजस्ट करके हम आउटपुट करंट को मैग्नीफाई और डीमैग्नीफाई कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस करंट। बट वहां भी एक प्रॉब्लम थी कि इन आवर आईसी टेक्नोलॉजी इमीटर डी जनरेटेड करंट मिरर इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि आर ई वन और आर ई टू का साइज जो है बच्चों वो बहुत ज्यादा हो जा रहा था, तो इमीटर डी जनरेटेड करंट मिरर भी फेल हो गया। ठीक है, मीन्स जो हमने यहाँ मोडिफिकेशन किया आर ई वन और आर ई टू लगा के वो भी कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो हमने क्या किया, एक और नया मोडिफिकेशन किया, उसमें हमने क्या किया, हमने जो सर्किट लिया वो एज इट इज बेसिक करंट मिरर की तरह लिया। तो पहले बेसिक करंट मिरर बनाते हैं, दिस इज आवर मिरर ट्रांजिस्टर और ये हमारा बच्चों लोड ट्रांजिस्टर है। कलेक्टर बेस से शॉर्ट है, दिस इज वी, दिस इज आर, ये ट्रांजिस्टर क्यू वन, यहाँ ट्रांजिस्टर क्यू टू। यहाँ हमने एक मॉडिफिकेशन किया कि इस बार मैंने इमीटर रेजिस्टेंस सिर्फ क्यू टू ट्रांजिस्टर पे कनेक्ट किया, क्यू टू ट्रांजिस्टर के इमीटर पे हमने एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया आर ई। ठीक है, तो फॉर 10 माइक्रो एम्पियर आउटपुट करंट, फॉर 10 माइक्रो एम्पियर आउटपुट करंट हम चेक करेंगे कि आर ई की वैल्यू क्या आती है, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि आर ई का साइज वेरी लार्ज होगा या स्मॉलर साइज होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां हमने आई रेफरेंस की वैल्यू ली, आई रेफरेंस हमने लिया 1 मिली एम्पियर। ठीक है, और आर ई की वैल्यू सेट करके मैं 1 मिली एम्पियर करंट को डी मैग्नीफाई करके 10 माइक्रो एम्पियर तक ले आऊंगा। ठीक है, वो मैं थोड़ा बहुत डिस्कस आपसे कर चुका हूं मीटर डी जनरेटेड करेंट मिरर में। तो फॉर 10 माइक्रो एम्पियर के लिए हमें आर ई की वैल्यू इस सर्किट के लिए कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा और चेंजेज है, ये जो मैंने ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 के लिए VBE लिया, इस बार हम डिफरेंट लेंगे। मीन्स फॉर ट्रांजिस्टर Q1 बेस इमिटर जंक्शन वोल्टेज इज VBE1 एंड फॉर Q2 इट विल बी VBE2 एंड हियर VBE1 is not equal to VBE2. ठीक है, means हमने Q1 and Q2 को identical नहीं लिया, are not identical. ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया, due to unsymmetry. ठीक है, ड्यू टू अनसिमेट्री। तो अभी आप परेशान मत होइए क्यों हमने आइडेंटिकल नहीं लिया, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो इमीटर डीजनरेटेड या बेसिक करंट मिरर से ये करंट मिरर जो मैंने अभी बनाया, अभी जो मैंने मॉडिफिकेशन किया, वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि यहां भी मैंने क्या किया, इसमें सिर्फ Q2 ट्रांजिस्टर में आर ई को कनेक्ट किया है, रेजिस्टेंस आर ई को Q2 में ही कनेक्ट किया है, यहां मैंने आर ई नहीं कनेक्ट किया है। और दूसरा पॉइंट जो डिफरेंट है, Q1 और Q2 को हमने आइडेंटिकल नहीं लिया है। बात समझ में बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पे
केवीएल अप्लाई करूं। सपोज मैंने केवीएल अप्लाई किया यहाँ पे, तो जरा देखते हैं क्या आता है। अगर आपने क्या किया, अप्लाई अप्लाई केवीएल एट इनपुट साइट, ठीक है। तो जब आप केवीएल अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस VBE1 प्लस VBE1 माइनस VBE2। इधर देखिए ये लूप लगाना है, और यहां जो बच्चों करंट होगा वो क्या होगा, आई नॉट 10 माइक्रो एम्पियर जिसकी वैल्यू है। क्यों, क्योंकि बीटा हमने क्या किया है, वेरी हाई लिया। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई नॉट इंटू आर ई इक्वल टू जीरो। तो यहां से बच्चों आर ई की वैल्यू आ गई VBE1 माइनस VBE2 डिवाइडेड बाई आई नॉट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर ई। तो अब आर ई की वैल्यू आप तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको VBE1 VBE2 पता होगा। तो यहां बच्चों VBE1 VBE2 को कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से वही डायोड के करंट के इक्वेशन का मदद लेंगे। भाई हमने डायोड के करंट के इक्वेशन में पढ़ा था कि ID इज इक्वल टू IS e टू द पावर VD बाई VT, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैंने। तो यहां से बच्चों VD की वैल्यू आई थी VT मल्टीप्लाइड बाई LN ID बाई IS, आपको याद होगा। तो चूंकि यहाँ दोनों ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, एक्टिव मोड में वर्क कर रहे हैं, तो जो इनपुट साइड होगा वो एज अ पीएन जंक्शन डायोड की तरह होगा। इनपुट का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा एज अ पीएन जंक्शन डायोड की तरह होगा। तो बच्चों अगर मुझे VBE1 के लिए इक्वेशन लिखना है तो VBE1 हम लिखेंगे VBE1 इज इक्वल टू, यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा करंट है, आई रेफरेंस है भाई, यही वाला तो करंट इसमें आ रहा है, क्योंकि IB की वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल है, बिकॉज बीटा इज वेरी लार्ज। दिस इज आई रेफरेंस, इसको अच्छे से लिखते हैं, ये करंट हमारा आई रेफरेंस है, ठीक है भाई। तो VBE1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, फिर से यही वाला इक्वेशन यूज करते हैं, VT LN और इसके थ्रू जो करंट है वो आई रेफरेंस है डिवाइडेड बाई सेचुरेशन करंट, ठीक है। सिमिलरली फॉर Q2 VBE2 इज इक्वल टू VT LN और यहां बच्चों जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई नॉट फ्लो कर रहा है, दैट्स वाई आई नॉट डिवाइडेड बाई सेचुरेशन करंट। यहां देखिए दोनों ट्रांजिस्टर के लिए सेचुरेशन करंट क्या है, सेम है, क्योंकि हमने इमीटर जंक्शन एरिया जो है वो सेम लिया हुआ है, सिमिलर इमीटर जंक्शन एरिया लिया हुआ है, ठीक है, इसलिए दोनों का सेचुरेशन करंट क्या होगा, सेम होगा। अब आप बता दो मुझे VBE1 माइनस VBE2 की वैल्यू क्या होगी, तो रखते हैं VT LN आई रेफरेंस डिवाइडेड बाई IS माइनस VT LN आई नॉट डिवाइडेड बाई IS। तो log m माइनस log n, पहले तो VT कॉमन ले लो, log m माइनस log n क्या करोगे, log m by n, तो i reference divided by i naught। तो आई होप दैट बच्चों VBE1 माइनस VBE2 आपको समझ में आ गया कि कैसे मैंने कैलकुलेट किया। अब ये वैल्यू हम RE वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो यहां से बच्चों RE की वैल्यू आ जाएगी VBE1 माइनस VBE2 की वैल्यू आ गई VT LN i reference divided by i naught होल डिवाइडेड बाई आई नॉट। एक बार मैं फिर से ले चलता हूं आपको आरई के एक्सप्रेशन में, तो देखिए नीचे डिवाइडेड बाई आई नॉट है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आरई। आई आर ई इज इक्वल टू VT LN आई रेफरेंस डिवाइडेड बाई आई नॉट होल डिवाइडेड बाई आई नॉट, ठीक। तो ये तो एक्सप्रेशन हो गया आरई को कैलकुलेट करने का। अब जरा आरई का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं फॉर आई नॉट इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर। भाई हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, आई नॉट इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर थी। चेक करते हैं बच्चों वीटी आप कितना लोगे, 26 या 25 मिली वोल्ट, कुछ भी ले लो, 25 ले लो,
25 मिलीवोल्ट, तो आरई की वैल्यू क्या आएगी, ये सारी वैल्यूज आप पुट करो इसमें, तो 25 मिली मीन्स 10^-3 एल एन आई रेफरेंस 1 मिली एम्पियर, तो 10^-3 और आई नॉट 10 माइक्रो एम्पियर 10^-6 होल डिवाइडेड बाय आई नॉट, और आई नॉट है बच्चों 10 माइक्रो एम्पियर। अब आपके पास कैलकुलेटर है, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करो तो करीब 10 किलो ओम के करीब आता है, ठीक है। तो 10 किलो ओम क्या है, स्मॉलर साइज है, वेरी स्मॉल साइज। तो यहां देखा आपने, जो हमने मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन में हमने क्या किया, आरई को हमने कनेक्ट किया Q2 ट्रांजिस्टर के इमीटर पे, तो 10 माइक्रो एम्पियर के लिए इसकी वैल्यू आ गई 10 किलो ओम, और चूंकि इसका साइज बहुत स्मॉल है, दिस इज दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज वेरी यूजफुल टू दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड दैट सर्किट इज नोन एज विडलर करेंट मिरर, इस सर्किट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, विडलर करेंट मिरर, बात समझ में आई। और ये सर्किट हमारे आईसी डिजाइनिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर इन इंटीग्रेटेड सर्किट बिकॉज ऑफ, भाई ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। तो आई होप दैट बच्चों आपको समझ में आया होगा। बेसिकली हमें करना क्या था, हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो रिक्वायरमेंट था, वो 10 माइक्रो एम्पियर करेंट सोर्स अचीव करना था, जिसके लिए मैंने अपने बेसिक करेंट मिरर को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, जो भी मॉडिफिकेशन आया उसकी वैल्यू, उसका साइज हमने कैलकुलेट किया और देखा कि जो साइज आया, जो वैल्यू आई, जो साइज आया वो सुटेबल है हमारे आईसी के लिए। दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज वेरी पॉपुलर फॉर दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट एंड दिस सर्किट इज नोन एज विडलर करेंट मिरर। तो आई होप दैट बच्चों आपको विडलर करेंट मिरर क्या होता है ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए टाइप का करेंट मिरर पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।